our task force, Central Task Force Inspector Srinivas and Sub Inspectors Kanta Reddy, Vinod, Constable Officers Manohar, Naveen और सुल्तान बाजार सब इंस्पेक्टर भास्कर के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके ये फेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने का कंपनी है। इसका नाम कैप टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोटी में लगा है ये लोग, लगा के 6 महीने से ये काम कर रहे हैं लोग। जो MBA स्टूडेंट्स कंप्लीट एग्जामिनेशन पास होने के बाद से वो 45 डेज कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ करना पड़ता है वो लोग कंपनी में। कंपनी से सर्टिफिकेट ले लेके एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड बना के यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा वो लोगों को, या नहीं है तो वो लोग का कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। मगर ये लोग, ये स्टूडेंट्स ये लोगों को अप्रोच करें तो विदाउट एनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, दीज पीपल आर प्रिपेयरिंग दी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल्सो डाउनलोडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम द नेट। ये 1000 रुपये में, 1500, 2000, 3000, ऐसा एक एक आदमी से लेके ये फेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बेच रहे हैं कोटी में ऑफिस लगा के। ये छोड़ के ये रिसेंटली वीसा इमिग्रेशन सर्विसेज बोल के भी लगा है और बगैर परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए उसको, और बगैर परमिशन ये भी लगा है, मगर इसमें अब तक कोई भी चीट नहीं हुए। ऐसी ये सर्टिफिकेट्स ले लेके थोड़े बहुत लोग चीट हो गए, ऐसा आदमी अपने को कंसल्ट हुए वो लोगों के साथ और सुल्तान बाजार पुलिसों के साथ जाके टास्क फोर्स रेड करके इसका ऑफिस पूरा सीज कर दिए। इसमें 3 कंप्यूटर्स, 1 कलर प्रिंटर, 60 फेक सर्टिफिकेट्स, 60 कंपनीज का रबर स्टाम्प्स, वेरियस कंपनीज का रबर स्टाम्प्स और फेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, 100 विजिटिंग कार्ड्स ऐसा सीज कर लिया हम लोग। अभी ये सब लोगों को, 3 लोगों को, इसमें वद्दिनेनी नवीन कुमार, कोंडमूरि बालकृष्ण, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दो भी MBA ग्रेजुएट्स हैं। ये आर वेंकटेश बोल के मुसरामबाग में रहता स्टाम्प मेकर, उनके पास ये 60 स्टाम्प्स करवा के ये डिफरेंस कंपनियों का सर्टिफिकेट